40 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है। 11 बजे मैं इस रूम में इन हुआ था, ये यूनिट कूलिंग नहीं कर रहा था, इसमें प्रॉब्लम था। मैंने आगे इसका जब ग्रिल टेम्परेचर चेक किया स्टार्टिंग के अंदर, तो ये 26 से स्टार्ट हुआ। तो मैंने इसको लगा के कुछ देर चेक किया कि लास्ट किधर तक आता है इसका जो टेम्परेचर है, तो इसका जो आखिरी टेम्परेचर था 19 तक आया था। उसके बाद फिर मैंने गौर करना शुरू किया कि क्या वजह है। इसके एम्पेयर भी पूरे थे, हर चीज़ ओके काम कर रही थी, लेकिन ये कूलिंग सही तरीके से कर नहीं रहा था यूनिट। इसका ग्रिल टेम्परेचर है कम से कम मेरे हिसाब से तो 18 से 15 तक आना चाहिए था, 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर का तो था। तो फिर मैंने इसको गौर करना शुरू किया, चीज़ों को देखा, तो ये जो रूम थे इसके अंदर बिल्कुल, इसके जो इंडोर लगा हुआ है इसके बिल्कुल ऊपर की साइड पर एक रोशनदान था। भाई साहब ने उसके बैक साइड पर आउटर लगाया था, रोशनदान के अंदर हल्के फुल्के कपड़े लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वो बाहर से ही गर्म हुआ सक कर रहा था यूनिट, तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा था। और रूम का जो टेम्परेचर था वो 31 था, और ग्रिल टेम्परेचर जो आ रहा था वो 19 तक आ रहा था। और बाकी साइड पर जब मैंने देखा तो दो रोशनदान और थे, उनमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ था, वो बिल्कुल ही ओपन लगे पड़े थे। तो मैंने जब उन दोनों रोशनदानों को बंद करवाया, तो उसके बाद जब मैंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर काफ़ी तक नीचे आना शुरू हुआ। जो बाहर रूम टेम्परेचर 31.2 था, बाहर 40 का टेम्परेचर था, और जो ग्रिल टेम्परेचर था वो 19 था जब मैंने चेक किया। तो उसके बाद जब मैंने इसके फ़िल्टर निकाले अंदर से, तो फ़िल्टर भी बिल्कुल डस्टी थे, ऊपर वाला जो हिस्सा ये देखिए बिल्कुल डस्टी था। ये बिल्कुल उसके ऊपर रोशनदान था, जिसकी वजह से वो मिट्टी खींच रहा था। कपड़ा लगाया था, कपड़े से हवा तो नहीं रुक सकती, हवा तो आती रहती है जब वो सक करेगा। ये देखिए इसके ऊपर रोशनदान है, तो ये साइड पे भी दो रोशनदान, ये दोनों खुले हुए थे। जब ये मैंने बंद कराया तो उसके बाद इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, ये 19 से भी नीचे ये होल्ड किया हुआ था। तो इसका जो रूम का टेम्परेचर है 10 मिनट के अंदर ही 31 से 28 पर आ गया था, तो काफ़ी तक फ़र्क पड़ गया था। ये देखिए 28 पर आ गया था, तो ये ओके हो गया था यूनिट इसके बाद।